हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? फिर से मैं हर बार उम्मीद करता हूं, इस बार भी उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अपने अपने घरों में। तो जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट वीडियो में बहुत सारी बातें हुई थी। आपको जैसा पता है कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चालू कर चुके हैं, उसमें हमने एक लेक्चर भी कर लिया है। आज दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं हम। जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने सॉलिड्स के बारे में कुछ डिटेल में जानने की कोशिश की। उसके बाद एक सॉलिड की एक नई प्रॉपर्टी निकल के आई जिससे अभी तक हम क्या थे, अनजान थे। मतलब हमने देखा था लेकिन उसके बारे में पढ़ा नहीं था, जिसका नाम इलास्टिसिटी दिया गया। उसके बाद हमने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। हमने स्ट्रेस पढ़ा था, हमने टाइप ऑफ स्ट्रेस पढ़ा था। तीन टाइप के मैंने आपको स्ट्रेस बताए थे। पहला कौन सा स्ट्रेस था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा था कौन सा? दूसरा कौन सा था? टेंजेंशियल स्ट्रेस, या स्ट्रेस, या उसको सियरिंग स्ट्रेस भी कहा जाता था। और तीसरा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, तीनों के डेफिनेशन हमने देखे थे, तीनों हमने समझा था। तो आज की क्लास में हम इसी लेक्चर को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे स्ट्रेन, उसके बाद हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इलास्टिक लिमिट, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन भी देखेंगे, उसके बाद हम हुक्स लॉ भी देखेंगे, और लास्ट में अगर टाइम बचा तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अगर टाइम नहीं बचा तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल भी करेंगे। अच्छा हाँ, और एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी भी हम आज कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले, कल की वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस था, जो वॉल्यूम स्ट्रेस था, जिसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते थे, उसका डेफिनेशन हम नहीं देख पाए थे। हालांकि मैंने बनाया था, वो वीडियो यूट्यूब ने क्रॉप कर दिया, तो आज वो हम डेफिनेशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे का लेक्चर चालू करेंगे। हाँ, तो डेफिनेशन हमारा हो गया कि व्हेन अ सॉलिड बॉडी अंडरगोज अ चेंज इन इट्स वॉल्यूम विदाउट एनी चेंज इन शेप बाय अप्लाइंग द फोर्स परपेंडिकुलर टू द एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी देन रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। मतलब कि अगर किसी बॉडी के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर उसके प्रत्येक पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा हो, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, मैंने एक बार वैसे समझाया है, किसी बॉडी के ऊपर अगर उसके एवरी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा हो जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाए विदाउट एनी चेंज इन इट्स शेप। देखो, इसका शेप जैसा था वैसा ही है, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरीके से जब किसी बॉडी में स्ट्रेस पैदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं। देखो, इस पे चारों तरीके से फोर्स लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग रहा है, तो ये एक इंटरनल फोर्स डेवलप हो गया। अब इंटरनल फोर्स क्या करेगा कि इस चेंज को रोकने की कोशिश करेगा, तो वो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहला जाएगा, स्ट्रेस कहला जाएगा। एक बात मैं आपको समझा दूं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हमेशा कब होता है, जब किसी सॉलिड को किसी फ्लूइड में क्या कर देते हैं, इमर्ज कर देते हैं, डुबा देते हैं, हाई प्रेशर फ्लूइड में क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं, तो उसपे क्या लगता है, हाइड्रोलिक, तब उसको वो कौन सी चीज सफर करता है, हाइड्रोलिक वॉल्यूम स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस सफर करता है। इसका भी फॉर्मूला किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो होता है, यह इसको हम प्रेशर भी बोल सकते हैं, PRESSURE प्रेशर। देखिएगा, एक लिक्विड को, ये जनरली कब होता है, जब हम एक सॉलिड को, किसी रिजिड बॉडी को किसी फ्लूइड में डुबाते हैं। अब आप किसी भी चीज को, खुद भी पानी में जाओगे तो आपको लगेगा ना कि एक फोर्स आपको क्या कर रही है, दबा रही है, एक फोर्स आपको क्या कर रही है, दबा रही है, तो वो एक्चुअल में क्या होता है, वो प्रेशर होता है। ठीक है, ये कल की छोटी हुई बात थी। चलिए, अब आज का जो मेन लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं। कहां गया मेरा डस्टर?
आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रेन, STRAIN. स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है. अच्छा, अगर आप किसी बॉडी को, किसी बॉडी पे कोई एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो उस बॉडी में क्या होता है, एक डिफॉर्मेशन होता है. डिफॉर्मेशन का मतलब कि उसका चेंज इन डायमेंशन, लेंथ बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, जो भी सारी चीजें उसमें एक चेंज होती है. ठीक है, तो उस चेंज को मेजर करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये स्ट्रेन. यह किसके बराबर होता है, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन. इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन. DIMENSIO, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है. इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन. यानी कि स्ट्रेन को आप लिख सकते हो CHANGE, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन. चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, इसको बोलते हैं हम ये स्ट्रेन को, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन. यानी कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक रॉड है जिसपे कि आपने एक फोर्स लगाया. ठीक है, इस पे आपने क्या लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया. तो फोर्स लगाने की वजह से जो रॉड है इसका लेंथ कितना हो गया, ऐसे बढ़ गया. ठीक है, बढ़ गया ऐसे. अब एक चीज देखिए कि ये पहले था एल लेंथ का, अब इसका लेंथ हो गया एल प्लस डेल्टा एल. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज स्ट्रेन हियर, तो स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन डायमेंशन कितना हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल. ये हो जाएगा स्ट्रेन का, ये हो जाएगी स्ट्रेन की वैल्यू. स्ट्रेन का मतलब होता है रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन. अच्छा, अगर हम इसके यूनिट की बात करें कि इसका यूनिट कितना होता है, तो देखो ऊपर और नीचे दोनों सेम यूनिट होगा कि नहीं होगा. ऊपर या वॉल्यूम होगा तो नीचे भी वॉल्यूम होगा, अगर ऊपर लेंथ होगा तो नीचे भी क्या होगा, लेंथ होगा. तो यह एक यूनिटलेस, नो यूनिट, इसका क्या होता है, यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है स्ट्रेन. ये बात समझ में आ गई आपको, स्ट्रेन क्लियर हुआ. स्ट्रेन को आपने क्या डिफाइन किया, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन. अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे भी रिलेटेड कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा. टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, TYPES, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. तो जैसा कि स्ट्रेस तीन प्रकार का होता था, स्ट्रेस थ्री टाइप्स का होता था ना, स्ट्रेस मैंने आपको बता दिया था ना, लॉन्गिट्यूडनल, सियरिंग और वॉल्यूमेट्रिक. उसी तरीके से स्ट्रेन भी तीन तरीके का ही होता है, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और सियरिंग. चलिए इसके तीन टाइप्स मैं ऐसे बना देता हूं, एक मिनट में जरा अपने मार्कर को इंक पिला लूं. हाँ, तो देखिए पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ठीक है, क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, धीरे धीरे करके हम तीनों देखेंगे. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पहले देख लेते हैं. इसका डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि when a deforming force changes the length of the body only,
when a deforming force changes the length of the body only, the strain produced in the body is called longitudinal strain. अगर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी के सिर्फ लेंथ को प्रभावित करता है तो उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा? अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से E से, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाएगा EL, मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन लेंथ LENGTH डिवाइडेड बाई ओरिजिनल ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा एल अपॉन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब दूसरा देखिए, दूसरा होता है हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेन। व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला सीरीज है, तीनों इंपॉर्टेंट है। देखिए व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेन, जैसा कि आप ये आप समझ गए हो तो इससे रिलेट करके इसका भी डेफिनेशन आप निकाल सकते हो कि व्हेन अ डीफॉर्मिंग फोर्स चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी देन द स्ट्रेन इज द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, when the deforming force changes the volume of the body then the strain produced in the body is called volumetric strain या volume strain। अब इसका formula, इसका formula होता है change in volume divided by original original volume। ठीक है, change in volume divided by original volume। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो EV is equal to डेल्टा वी अपॉन कैपिटल वी ओरिजिनल वॉल्यूम। अब लास्ट क्या बचा भैया, लास्ट बचा हमारा सियरिंग, इसको टेंजेंशियल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, सियरिंग स्ट्रेन। सियरिंग स्ट्रेन क्या होता था, सियरिंग स्ट्रेस आपको पता है, सियरिंग स्ट्रेस क्या होती थी, एक बॉडी फिक्स रहता था या टेंजेंसी एक कोई बॉडी है ऐसे वो फिक्स है इस तरीके से वो फिक्स है। ठीक है, जब इस पे कोई टेंजेंशियल फोर्स लगता था तो इस बॉडी का जो शेप होता था वो शेप क्या हो जाता था, शेप बदल जाता था, इस बॉडी का शेप ऐसे बदल जाता था, समझ में आ रही बात, इस बॉडी का शेप बदल जाता था लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता था, शेप बदलता था शेप बदल जाता था लेकिन वॉल्यूम क्या रहता था, वॉल्यूम वही रहता था। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम कि व्हेन अ डीफॉर्मिंग फोर्स changes the shape of the body, changes the shape of the body without change in its volume, shape बदल जाएगा volume वही रहेगा। तो इस तरीके के strain को क्या बोलते थे हम, shearing strain भी बोलते थे। ET से represent करते हैं इसको tangential की वजह से। हाँ तो अब देख इसको निकालने का formula, इसको निकालने का formula बड़ा unique है, को निकालने का फॉर्मूला बड़ा यूनिक है। देखो देखो कैसे इसको निकाला गया, ये एक बनाई हुई बात है, एक एक्सपेरिमेंटल बात है कि इसको निकाले कैसे भैया, शेप का कोई नापने का तरीका तो है नहीं, वॉल्यूम नाप दिया आपने, लेंथ नाप दिया आपने, शेप को कैसे नापते, बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्ट्रेन STRAIN। देखते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से समझिए, यहां पे मान लेते हैं कि एक कोई बॉडी है इस तरीके से, ठीक सिलिंड्रिकल बॉडी है, ये यहां पे फिक्स रखी हुई है इस तरीके से इसको रखा गया है। ठीक है, अब अगर इस पे हम कोई एक टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, तो इस बॉडी में एक बदलाव होता है, इसका शेप क्या हो जाता है, इसका शेप चेंज हो जाता है। देखो ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे कि इसमें जो बदलाव हुआ है वो बदलाव क्या हुआ है? वो बदलाव ये हुआ है कि जो पॉइंट यहां पे था वो पॉइंट खिसक के कहां पे चला गया? जो पॉइंट देखना ध्यान से, जो पॉइंट यहां पे था अब वो पॉइंट कहां पे चला गया है? यहां पे चला गया है। यानी कि एक यहां पे ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, दिख रहा है ना बोर्ड पे, ये एक ऐसे डिस्टेंस यहां से यहां तक का ट्रेवल हुआ है, छोटा सा डिस्टेंस, बहुत स्मॉल, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, dx बोल सकते हैं, dx बोल सकते हैं। यहां पे ये एंगल मान लेते हैं कि ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। समझिएगा इस चीज को ध्यान से, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है दैट डिस्प्लेसमेंट, दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन दिस मच लेंथ। यानी कि अगर मान लेते हैं इसका लेंथ l है तो ये भी लेंथ कितना हो जाएगा, l हो जाएगा ना, यानी कि dx अपॉन l। ध्यान से समझो, जिस लेंथ के अलोंग, जिस लेंथ पे टेंजेंशियल फोर्स लग रही थी वो, और ये dx क्या था, जिसकी जो वो स्मॉल डिस्टेंस जिसकी जितना की फोर्स की वजह से इस बॉडी ने क्या किया है, चेंज किया, यहां से ये कहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, समझ रहे हो उस चीज को, यानी कि दिस मच, क्लियर हुआ? कौन ये dx क्या है अगर कोई पूछेगा, तो dx है अपने ओरिजिनल पोजीशन से उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स कितना डिस्प्लेस हुए हैं। अभी मॉलिक्यूल्स यहां पे थे ना ये वाले, अब ये मॉलिक्यूल्स यहां से उठ के कहां पे चले गए, यहां पे चले गए, पहले यहां पे थे यहां से उठ के यहां पे चले गए, तो इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, dx डिवाइडेड बाय लेंथ, कौन सा लेंथ, जिसके अलोंग जो फोर्स है वो लग रही है, जिसके टेंजेंशियली वो फोर्स लग रही है, यानी कि dx अपॉन l। अब अगर एक बात ध्यान से देखो तो dx अपॉन l, ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये देखिएगा तो ध्यान से, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, उसमें अगर dx अपॉन l की बात करें, यानी कि ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ध्यान से समझो, ऐसा बना, ये क्या है थीटा है, ये l है और ये क्या है dx है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, समझ रहे हो इस चीज को, तो ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस p by b किसके बराबर होता है बच्चा, P by B तो होता है tan थीटा के बराबर, tan थीटा, समझ में आई बात, ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। अच्छा अब एक बात बताओ कि ये जो dx की वैल्यू होगी, समझो पहले, मैं बाद में इसका डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, इन तीनों का डेफिनेशन बाद में लिखवाऊंगा, इसकी जो वैल्यू होगी dx की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी, टेंस टू जीरो। आपको पता है कि किसी भी चीज को अगर झुकाने की कोशिश करो ऐसे, अब रिजिड बॉडी है तो वो थोड़ा सा बस डिस्प्लेस होता है, अगर ज्यादा डिस्प्लेस करने की कोशिश करो तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर मेरे ऊपर कोई इधर से टेंजेंशियल फोर्स लगाता है तो मैं इधर 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 इतना ज्यादा मैक्सिमम ज्यादा झुकूंगा, गिर जाऊंगा कि नहीं गिर जाऊंगा, मेरा मेरे मॉलिक्यूल्स यहां से लेके बस कहां तक आएंगे, यहीं तक आएंगे, मतलब ये dx की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी प्रैक्टिकली। तो जब dx की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी तो थीटा की भी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, और जब थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो tan थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है। ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया गया, ज्योमेट्री में when tan, देखो दोनों चीजें, when थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा भी किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर, और टेन थीटा भी किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर हो जाता है। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा एंड थीटा बिकम्स इक्वल टू थीटा। यानी कि देखो यहां पे अब इस शियरिंग स्ट्रेंथ के बदले आप क्या लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो, ये शियरिंग स्ट्रेंथ किसके बराबर हो गया, थीटा के बराबर हो गया। तो अब इसका डेफिनेशन एक बार सुन लो, डेफिनेशन होता है शियरिंग स्ट्रेंथ का, इट इज डिफाइंड एज द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ परपेंडिकुलर विच अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द फिक्स सर्फेस ऑफ द बॉडी गेट फिक्स्ड। डेफिनेशन सुनो इसका,
ये अब किसके बराबर हो गया, ये इस एंगल के बराबर हो गया, और ये एंगल किस में रहना चाहिए, रेडियन में रहना चाहिए, ये किस में रहना चाहिए, रेडियन में। तो अब आप इसको ये भी डिफाइन कर सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड। ये थीटा एंगल ही तो डिस्प्लेस हुई है ना यहां से, समझ में आ गई बात। अब इन तीनों पे क्या करते हैं, हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। आइए इन तीनों का डेफिनेशन लिख लें। हाँ, तो तीनों डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे थे हम, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, EL इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। उसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेन, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, dV इज इक्वल टू, और तीसरी चीज शियरिंग स्ट्रेन, इट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ लीनिंग, कितनी वो बॉडी झुक रही है, लीनिंग का मतलब होता है झुकना, ऑफ ए बॉडी इन रेडियन व्हेन अ टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड। ये इस तरीके से dx अपॉन L, जो dx डिस्टेंस ट्रेवल किया था, अपॉन टाइम थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे स्ट्रेन कंप्लीट, ठीक है। अब स्ट्रेन के बाद हम एक चीज पढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है कि इज स्ट्रेन परमानेंट, अगर आपसे कोई पूछता है कि इज स्ट्रेन परमानेंट, क्या स्ट्रेन परमानेंट होता है, तो आप उसको क्या जवाब दोगे बताओ मुझे। अगर आपसे कोई पूछता है कि इज स्ट्रेन परमानेंट, तो इसका जवाब आप क्या दोगे, सोचो। नो, स्ट्रेन इज नॉट परमानेंट, स्ट्रेन परमानेंट नहीं होता है। जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेते हो, वैसे स्ट्रेन किसके बराबर हो जाता है, स्ट्रेन खत्म हो जाता है, स्ट्रेन जीरो के बराबर हो जाता है। चलिए अब एक टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा छोटी सी डेफिनेशन, उसके बाद हम हुक्स लॉ पे आएंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है? अच्छा, वैसे आपको अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है, आपको ये डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, आप ये डेफिनेशन अपने से भी लिख सकते हो अगर मैं समझा दूं आपको तो, हालांकि मैं लिखवा भी दूंगा। इलास्टिक लिमिट क्या होता है? आपको पता है कि किसी भी रिजिड बॉडी में, किसी भी सॉलिड बॉडी में एक टेंडेंसी होती है कि अगर आप उसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगा कर छोड़ दो तो वो वापस अपने फिर उसी पोजिशन में, उसी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन में आने की कोशिश करता है। बता दें आपको, व्हाट इज इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का डेफिनेशन इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब प्रश्न ये है कि क्या इसमें कोई लिमिट होगा, ना लिमिटेशन रिजिडिटी भी बोलते हैं, डेफिनेशन लिखिए इसका। चलिए, इसका शियरिंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जिसको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोला जाता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। इसका डेफिनेशन होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन, ये फॉर्मूला इसका जी इज इक्वल टू। अब शियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए, फोर्स का तो स्ट्रेस का तो सबका एफ अपॉन ए ही होता है, इनटू शियरिंग स्ट्रेन के बदले हमने क्या लिखा था, याद है आपको, शियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन के बदले हमने लिखा था डी एक्स, याद है आपको, जिसको कि हमने बोला था ईटी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसके बदले हमने लिखा था डी एक्स अपॉन एल, यानी कि हम इसको dx और l कहां पे लेके जाते हैं, ऊपर लेके चले जा सकते हैं। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला और भी कहीं कहीं लिखा रहता है, dx इज इक्वल टू f अपॉन a, इनटू शियरिंग स्ट्रेन के बदले हमने क्या लिखा था, थीटा भी लिखा था, तो ये भी इसका फॉर्मूला काम में आता है, ठीक है। ये b वाले का हो गया दोनों फॉर्मूला, और ये किसका हो गया, ये हो गया y का। तो इस तरीके से हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी खत्म हो गया। अब आगे जो चैप्टर है, अगला जो लेक्चर आएगा उस पे इससे कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, इन दोनों से न्यूमेरिकल्स ना के बराबर होते हैं, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स। तो अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड होगा। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहिए, गुड नाइट। होता है आप स्प्रिंग से खेलते खेलते एक स्थिति में ऐसा पहुंच जाते हो कि स्प्रिंग वापस से अपना जिस चीज के लिए स्प्रिंग जाना जाता है वो कर नहीं पाता है, होता है कि नहीं, ऐसा होता है। अगर आप स्प्रिंग को बहुत जोर से ऐसे खींच दो
अगर आप स्प्रिंग को बहुत जोर से ऐसे खींच दो तो क्या हो जाएगा, वापस वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आएगा? नहीं आएगा। अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूं, आपके घर के ऊपर छत के ऊपर ऐसे रॉड्स लगे रहते हैं, निकले रहते हैं ना ढलाई में से, आप उनको ऐसे खींच के बहुत खेलते हो, बहुत मजा आता है, लेकिन जोर से एक बार खींच दो और वो रॉड टूट जाए तो वापस से वो जाके उसमें जुड़ता है? नहीं जुड़ता है। इसका कारण क्या है? हमको तो ये पता है कि कोई भी बॉडी वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आती है क्योंकि सॉलिड्स की ये प्रॉपर्टी है कि उनमें इलास्टिसिटी होगी। तो फिर इसके उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग को पूरा खींच देने पे वो वापस फिर से क्यों नहीं आ पाता है? तो इसका जवाब ये है कि ये सारी चीजें ठीक है, प्रॉपर्टी है, सही बात है, ये गलत बात नहीं है, प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इस प्रॉपर्टी के काम करने का एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, उसके बाहर अगर आप उस चीज को खींच दो या डिफॉर्मिंग फोर्स उससे ज्यादा लगा दो तो कोई भी बॉडी अपनी इलास्टिसिटी को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। रबर की इलास्टिसिटी तभी रहती है जब तक कि आप उसको क्या कर सकते हो, जब तक आप उसको इलास्टिक लिमिट के अंदर रखो। एक टाइम ऐसा आता है कि रबर भी अपनी इलास्टिसिटी को क्या कर देता है, खो देता है, बहुत जोर से रबर को खींच दो उसके बाद उसकी इलास्टिसिटी समाप्त हो जाती है। तो इलास्टिक लिमिट कुल मिला जुला के ये है कि दिस इज अ लिमिट, दिस इज आप बोल सकते हो कि एरिया या कुछ भी अंडर विच द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आवर रिजिड या द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड इज एप्लीकेबल। बियॉन्ड दिस लिमिट अ सॉलिड डज नॉट शो इट्स इलास्टिक बिहेवियर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो इसका डेफिनेशन मैं आपको आइए लिखवा देता हूं, बस डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है, इलास्टिक लिमिट का फॉर्मूला डेफिनेशन होता है, इट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि वो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स जिसको लगाने तक कोई बॉडी अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने उससे ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो बॉडी अपनी डिफॉर्मिंग इलास्टिसिटी को क्या कर देगी, खो देगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं हुक्स लॉ। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में एक बड़ा खूबसूरत रिलेशन निकाला था, HOOKS हुक्स लॉ। वास्तविकता में इनका पूरा नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्होंने एक बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि अप टू अ गिवन लिमिट। क्या है हुक्स लॉ, देखिएगा, अप टू अ गिवन लिमिट स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। कोई नई बात नहीं कही थी, प्रैक्टिकली अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अप टू अ गिवन लिमिट, एक गिवन लिमिट तक जो स्ट्रेन होता है हमारा वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसका मतलब कि जितना ज्यादा ऐसे इसको अगर हम ऐसे लिखें, स्ट्रेस STRESS स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। अब सवाल यह है कि हम थोड़ा समझने की इसको कोशिश करते हैं। स्ट्रेस मैंने आपको बताया था ना, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल, या इसको रीस्टोरिंग भी बोला जाता था, एफ आर में लिख रहा हूं। अच्छा, एफ आर जो होता था वो किसके बराबर होता था, वो किसके बराबर होता था, वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता था। तो मैं इस स्ट्रेस को ये भी लिख सकता हूं ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने बताया था कि 99% केसेस में रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाओगे तो इंटरनल फोर्स बढ़ेगा, और इंटरनल मतलब कि रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा, और रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा तो उसका स्ट्रेस भी क्या होगा, बढ़ेगा।
अब एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाओ, अगर अब आते हैं हम अपने एक्सटर्नल फोर्स पे, अगर किसी स्प्रिंग के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा देते हो तो उसका जो चेंज इन डायमेंशन होगा वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? समझो इस चीज को, एक स्प्रिंग को अगर तुम 2 न्यूटन से खींचो और एक स्प्रिंग को तुम 3 न्यूटन से खींचो तो किस वाले केस में ज्यादा वो लेंथ उसका चेंज होगा, 2 न्यूटन वाले केस में या 3 न्यूटन वाले केस में ज्यादा चेंज? डेल्टा एल किस में बड़ा होगा भैया? डेल्टा एल किस में बड़ा होगा? डेल्टा एल इसमें बड़ा होगा। समझिएगा इस चीज को। देखिए एक्सटर्नल फोर्स का रिश्ता रीस्टोरिंग फोर्स से, रीस्टोरिंग फोर्स का रिश्ता स्ट्रेस से, और स्ट्रेस का रिश्ता किस से? स्ट्रेन से। समझ में आई बात कि नहीं आई? एक्सटर्नल फोर्स का रिश्ता किससे? रीस्टोरिंग फोर्स से। रीस्टोरिंग फोर्स का रिश्ता किससे? स्ट्रेस से। और स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ? स्ट्रेन भी बढ़ा। मैंने डायरेक्ट यहां बताया था ना कि जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उतना ही ये चेंज इन लेंथ वाला जो होगा ये सारी चीजें होंगी कि नहीं होंगी? अरे यार ये डेल्टा एल बढ़ेगा ना। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल। ये जो भी है चेंज इन डायमेंशन लॉन्गिट्यूडनल की अभी बात कर रहे हैं हम, यानी कि जितना तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उतना ही ये डेल्टा एल बढ़ेगा। और डेल्टा एल बढ़ेगा तो ये स्ट्रेन क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? समझ में आई बात? तो बीच का ये रिलेशन हमने खोज के निकाला। देखो हमको रिलेशन ये पता थी, हमको प्रैक्टिकली में ये पता था कि जितना ज्यादा हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन इस तरीके से हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता खोज के निकाला। अच्छा इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो ऐसे समझाता हूं मैं तुमको। आपको पता ये वाला सीन आपने पढ़ा था, ऐसे एक स्प्रिंग था, स्प्रिंग में हम एक वो लगा देते थे नीचे MG रॉड। अच्छा जो रीस्टोरिंग फोर्स होता था वो किसके बराबर होता था भैया? जो रीस्टोरिंग फोर्स होता था वो किसके बराबर होता था? -kx के बराबर होता था। -kx के बराबर। x क्या था? चेंज इन लेंथ। ये माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में। आप जरा बताओ कि जितना तुम फोर्स बढ़ाओगे उतनी ही ये x की वैल्यू बढ़ेगी नहीं? हमने बताया था ना स्प्रिंग वाले केस में कि जितना फोर्स बढ़ाओगे उतना ही वो चेंज उतना ही वो ज्यादा स्ट्रेच या कंप्रेस होगा। समझना की बात। और ये स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन ही तो यहाँ पे स्ट्रेन को वो साबित करता है, स्ट्रेन डिटरमाइन करता है कि कितना होगा। तो ये बात समझ में आई आपको? क्लियर। प्रैक्टिकली ये बात थी, ये दोनों का रिलेशन था, लेकिन हमने पढ़ लिख के क्या कर दिया, ये पूरा का पूरा रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। और इसमें से सब सिर्फ रिलेशन इसका और इसका चाहिए था। तो देखो जैसे स्ट्रेन बढ़ाओगे ऐसे अब चलेगा, स्ट्रेन बढ़ाओगे तो मतलब ऐसे देखो एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा, समझ लो। अच्छा एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाने की वजह से रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा और रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ाने की वजह से स्ट्रेस बढ़ेगा। तो अब ऐसे देखो कि स्ट्रेस की वजह से क्या होगा? स्ट्रेन बढ़ेगा। तो इसको ऐसे लिखा गया और यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आया, एक चीज और मैंने बताया आपको कि ये अगर 2, अब देखो अब बात करते हैं अप टू अ गिवन लिमिट की बात कर देते हैं। ये गिवन लिमिट क्या है? ये गिवन लिमिट वही इलास्टिक लिमिट है। अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो स्ट्रेन क्या हो जाता है? डेल्टा एल। 3 न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो डेल्टा एल डैश। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में बड़ा स्ट्रेन कौन सा होगा तो बड़ा चेंज कौन सा होगा, तो आप बोलोगे कि डेल्टा एल डैश जो होगा वो डेल्टा एल से क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि 3 न्यूटन का फोर्स है। अब अगर मान लो कि मैं फोर्स बढ़ाते जाऊं 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन पे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अपनी पूरी की पूरी क्या कर दे, वो टूट जाए वो जो भी सबस्टांस है, तब तो पूरा इलास्टिसिटी का खेल ही क्या हो गया, गड़बड़ हो गया ना। तो ये इसलिए कहा गया कि अप टू अ गिवन लिमिट, एक गिवन लिमिट तक ही स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होते हैं क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका देखो ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ भी पूछा भी जाता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इसको ऐसे बोलते हैं, इसका ग्राफ ऐसे किया जाता है, स्ट्रेस नीचे लिख दो, स्ट्रेन हाँ। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, STRESS, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेन को यहां पे रखा हमने। अब देखो
ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, कुछ इस तरीके से देखिएगा। जो स्ट्रेन के बढ़ने का रेट, मतलब कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो, अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना था, आगे की क्लासेस, आगे के लेक्चर्स में पता चलेगा, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं। लेकिन एक लिमिट के बाद जब ये जो ग्राफ होता है, ये जो कर्व होता है, ये इसकी ये बिगड़ जाती है, दशा बिगड़ जाती है। देखो यहां तक ये खूबसूरती से ऐसे स्ट्रेट लाइन रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही रहता है ना। लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या होती है, इसकी दशा बिगड़ जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। समझना की बात, यहां तक जो बॉडी है, यहां तक जो बॉडी है वो कौन सी बिहेवियर शो करती है, इलास्टिक बिहेवियर शो करती है, BEHAVIOU। यहां तक बॉडी इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, इसके बाद बॉडी प्लास्टिक बिहेवियर या नॉन इलास्टिक बिहेवियर शो करने लगती है। समझ में आ गई बात। चलिए अब हम इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खोज के लाने वाले हैं, आइए देखते हैं। मॉड्यूलस ऑफ ELAS इलास्टिसिटी क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपको पता है कि कुछ बॉडीज जो होती हैं, कुछ बॉडीज बहुत जल्दी अपनी इलास्टिसिटी खो देती हैं, कुछ बॉडीज अपनी इलास्टिसिटी बहुत देर के बाद खोती हैं। अब ये तो उस प्रॉपर्टी का मटेरियल डिटरमाइन करेगा कि वो कितना तक उसका इलास्टिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, ये उस प्रॉपर्टी का मटेरियल डिटरमाइन करेगा कि उसका क्या होना चाहिए, कितना इलास्टिक जो लिमिट मैंने बनाया था वो कितना तक होना चाहिए। तो इस चीज के लिए हर बॉडी की अपनी अपनी एक टेंडेंसी होती है इलास्टिक खोने की या इलास्टिसिटी तक रहने की। उसी टेंडेंसी को, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसका पहले सबसे पहले देखिए कि ये आया कहां से, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। जैसे कि बाय हुक्स लॉ, रॉबर्ट साहब ने क्या कहा था, रॉबर्ट साहब ने कहा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इधर लिख देंगे हम अप टू आर लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू आर लिमिट। अब इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाने के लिए एक टर्म आता है, कांस्टेंट टर्म, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। इस ई को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ELASTICITY। कहीं कहीं पे इसको कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा गया है, कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा गया है, एक ही बात है, E इज इक्वल टू स्ट्रेस इज इक्वल टू E इनटू स्ट्रेंथ। तो अब यहां से अगर आपको E की वैल्यू निकालने को कही जाए तो E की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, E की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर हो जाएगी। अब आता है डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या कॉन्स्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी। नोट कीजिए इसको, और नोट करने के बाद हम एक चीज और इसमें देख लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, और भी इसमें कुछ दो तीन बातें हैं मैं आपको बता देता हूं, नोट वर्दी पॉइंट्स है, लिख लीजिए आप कि
एसआई यूनिट इसका क्या होगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसका क्या होगा, तो इसका एसआई यूनिट वही होगा। देखो स्ट्रेंथ तो एक डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका तो कोई यूनिट होना नहीं है, तो इसका भी यूनिट वही होगा जो कि स्ट्रेस का होता है। तो स्ट्रेस का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेस का क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये एक क्या होगी, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होगी, इसका डायमेंशन हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल वन टी माइनस टू, आप निकाल भी सकते थे, ठीक है। अच्छा इट इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, ये क्या होगी, ये एक कॉन्स्टेंट, यहां पे लिखा हुआ है ना, इट इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। अच्छा उसके बाद क्या हम देखेंगे इसमें, ये जो ई होगी, ये इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, ध्यान से एक बहुत चीज, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो ई है ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे आपको इस फॉर्मूला में लग रहा होगा ना कि स्ट्रेस जो होगा ई जो होगी स्ट्रेस पे या स्ट्रेन पे डिपेंड करेगी, नहीं। एक बात बताइए कि किसी भी चीज की डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो ये जो डेंसिटी होती है ये मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है क्या, ये तो उस प्रॉपर्टी की क्या होती है, मटेरियल क्वालिटी होती है, ये उस प्रॉपर्टी की मटेरियल क्वालिटी होती है, जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसी तरीके से ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये भी क्या है, उस प्रॉपर्टी की मटेरियल क्वालिटी है। समझ में आ गई बात, हर बॉडी की, रबर की अपनी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी, मतलब हर चीज की अपनी अपनी अलग कॉन्स्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी होती है। समझ में आई बात। अब अगला जो इसमें टॉपिक है, अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो जैसे कि स्ट्रेस कितने प्रकार का था, तीन प्रकार का, स्ट्रेन कितने प्रकार का था, तीन प्रकार का, वैसे ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कितने टाइप्स की होगी, थ्री टाइप्स की होगी, ठीक है। आइए उन तीनों टाइप्स को बारी बारी से हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो जो सबसे पहला होता है वो होता है यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा से, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, गामा से। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है इट इज डिफाइंड, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द longitudinal, longitudinal strain, ये किसका रेशियो होता है, ये longitudinal strain और स्ट्रेस और longitudinal strain का रेशियो होता है, यानी कि गामा इज इक्वल टू longitudinal, longitudinal स्ट्रेस अपॉन longitudinal strain, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था F अपॉन A। अच्छा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था बताएगा कोई, EL इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L, यानी कि यहां पर हो जाएगा डेल्टा L इंटू ऊपर क्या चला जाएगा L, ये होता है फॉर्मूला किसका, यंग्स मॉडुलस का, F इंटू L, L अपॉन A इंटू डेल्टा L। अब A की जगह पे कई कई बुक्स में पाई आर स्क्वायर भी लिखा रहता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वो क्रॉस सेक्शन पे लगता है ना, तो F इंटू L अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा L, ये फॉर्मूला हो गया किसका, यंग्स मॉडुलस का, ठीक है।
उसके बाद दूसरा मॉड्यूलस देखते हैं क्या होता है दूसरा। अच्छा, जितना ज्यादा यंग्स मॉड्यूलस होगा उतनी बॉडी क्या होगी, जितना ज्यादा यंग्स मॉड्यूलस होगा उतनी बॉडी ज्यादा इलास्टिक होगी। ग्रेटर द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द बॉडी ग्रेटर विल बी इट्स इलास्टिसिटी। चलिए अब दूसरा, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। अब बल्क मॉड्यूलस, अच्छा तीसरा भी मैं अभी लिख ही देता हूं, उसके बाद एक ही साथ हम पढ़ लेंगे। सियरिंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको हम ये भी बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस वाले का फॉर्मूला हम देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ठीक है। यानी कि बी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम स्ट्रेन। तो यानी कि B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, F upon A into, उस समय लिखा था ना EV is equal to डेल्टा V upon V, यानी कि डेल्टा V कहां पे रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, और ये कहां पे चला जाएगा, V ऊपर चला जाएगा। यानी कि B is equal to FV upon डेल्टा V into A, ठीक है। अच्छा, कई कई बुक्स में यहां पे एक और चेंज दिया रहता है कि ये जो F अपॉन A है, जिसको कि मैंने बोला था वॉल्यूम, जो वॉल्यूम स्ट्रेस था उसको हम प्रेशर भी बोला करते थे ना, तो कई बुक्स में इसका ये भी फॉर्मूला है P इंटू V अपॉन डेल्टा V, ये भी फॉर्मूला है P इंटू V अपॉन डेल्टा V, फोर्स अपॉन एरिया के बदले क्या लिख देता है, प्रेशर लिख देता है। तो ये भी आप समझ जाइएगा, इससे भी नई बात नहीं है। अब आते हैं बात करते हैं किसकी, सियरिंग मॉड्यूलस।